अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं जा रही थी अपने मायके, जो कि हम जा रहे थे ईद पर, और ये अब की बार हमने दूसरे रूट से ट्राई किया है जाने का। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा एक बच्चों के लिए, किड्स के लिए मेला लगा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पर एक हॉस्पिटल था और बहुत ही प्यारा यहाँ का व्यू था। ये देखें, जिस साइड से हम आते हैं उधर भी काफ़ी ग्रीनरी है, बट इधर की साइड भी काफ़ी खुला है, एकदम ग्रीनरी और काफ़ी फ्रेशनेस थी इधर की साइड, और भी ज़्यादा अच्छा व्यू था यहाँ का। ये देखें, और अब की बार काफ़ी लेट हो गया है वीडियो, और 4-5 दिन हो गए हैं वीडियो को डले हुए, इसलिए अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ। और ये हम रास्ते में रुके थे वहाँ पर, और ये बहुत ही प्यारे फ्लावर्स थे, ये देखें, तो हम इन्हें देखने के लिए रुके थे रास्ते में। ये है मेरे हस्बैंड और ये है मेरा बेटा, जो कि दोनों के मैंने सेम कुर्ता पजामा सिलवाए थे, और दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये मेरा बेटा है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और यहाँ पर बहुत ही प्यारे वाइट कलर के, ऑफ वाइट कलर के फ्लावर्स थे। फिर उसके बाद हम चल दिए हैं, और ये हैं हम हापुड़ में, और उसके बाद हम आ गए थे घर, और फिर हमने किया था नाश्ता। और मेरा मायके है गुलाउठी में, और मैंने वॉइस ओवर वहीं पर दिया है, इसलिए हमारा घर ऑन रोड है, तो इसलिए बैकग्राउंड से इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, नॉइस आ रहा है, तो इसलिए नॉइस को इग्नोर करें और ब्लॉग को एंजॉय करें। और उसके बाद में हम करने लगे हैं नाश्ता, जो कि बहुत ज़्यादा यमी यमी डिशेस बनी थी, और ये थी खीज पेवसी जो भी बोलते हैं जिस एरिए में, और ये गाय की थी और बहुत ही टेस्टी हो रही थी, और काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस यहाँ पर बनी हुई थी। और ईद पर मेरी सिस्टर्स भी आई हुई थी, जो कि हम 4 सिस्टर्स हैं, और हम 3 मैरिड हैं और 1 अनमैरिड है मेरी सिस्टर, सबसे छोटी वाली। और ये रूम से साइड का व्यू भी दिखाई देता है रोड का, तो हम सब ने मिलकर इंजॉय किया काफ़ी ईद पर। और ये मेरी अम्मी बैठी हुई हैं, और ये मेरी सिस्टर बैठी हुई हैं उनके पास एक, जो कि हापुड़ में हैं, और ये वाली जो मेरी सिस्टर हैं ये भी मेरठ में है ये, और सबसे बड़ी मैं हूँ, और मुझसे छोटी ये मेरठ वाली सिस्टर है मेरी, और उनसे छोटी मेरी ये वाली सिस्टर हैं जो वाइन कलर के सूट में बैठी हुई हैं, ये हापुड़ में रहती हैं, इनका ससुराल हापुड़ में है, और ये इनकी बेटी हैं। तो हम सारे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ईद पर, काफ़ी मज़ा आया, और ये क्यूट सी इनकी छोटी सी बेटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, और हम सभी बैठे थे यहाँ पर। और अब हम जा रहे थे खाला के यहाँ पर, हमारी 2 खालाएँ हैं यहाँ पर रहती हैं गुलाउठी में ही, तो हम सब रेडी हो गए थे शाम के टाइम खाला के यहाँ जाने के लिए, और अपने अपने बच्चों को भी सबने रेडी कर लिया। और ये है मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, और सब अपने बच्चों को लेके खड़े हो गए हैं रेडी होकर, फर्स्ट फ्लोर पे ये आ गए हैं सब हम, और ये मेरे हस्बैंड और जीजू, एक जीजू मेरे चले गए थे, उनकी ड्यूटी थी तो वो चले गए थे, और एक जीजू हमारे हैं अभी, जो कि मैं आपसे आगे वीडियो में शेयर करूंगी, मैं दिखाऊंगी आगे उन्हें वीडियो में। और ये है मेरा बेटा, और उनका घर मेरी खाला का थोड़ी ही दूर पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम चाहें तो हम पैदल भी जा सकते हैं, बट उनका भी घर ऑन रोड ही है, तो इसलिए हम थोड़ा इस टाइम ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो हम बाइक से ही गए थे। और ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर और मैं, जो सबसे लास्ट में गए थे,
और बाकी सभी वहाँ पहुँच गए थे और मुझे थोड़ा सा काम था कहीं पर, तो मैं सबसे लास्ट में गई थी वहाँ पर, सबसे लास्ट में मैं पहुँची थी। तो मुझे कुछ एक काम था रास्ते में, तो मैं वहाँ पर रुकी थी। बाकी सब मेरे से पहले पहुँच गए थे थोड़ी सी देर पहले, और मैं और मेरी सिस्टर हम लास्ट में गए थे। और ये है मेरे खालू जी का घर, जो कि इनकी शॉप है फर्नीचर की, नीचे और ऊपर उनका घर है, फर्स्ट फ्लोर पर वो रहते हैं। जैसे कि मेरे भाई की शॉप है वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर पर इनकी शॉप है फर्नीचर वगैरह की, हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और अब हम आ गए हैं उनके घर, जो कि मेरी खाला जी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, तो वो भी बैठी हुई थी और काफ़ी खुश हुए थे सभी देखकर। और काफ़ी अच्छा लगता है सबसे मिलकर, कितना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये क्यूट सी छोटू सी मेरी सिस्टर की बेटी है, और ये मेरे जीजू हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, डैम क्यूट। और मेरी खाला जी की भी दो बेटियां हैं और दो ही उनके बेटे हैं, और काफ़ी क्यूट सी इनकी भी फैमिली है। और ये बच्चों की शरारतें हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होती हैं, और ये मैंने वॉइस ओवर वहीं से किया है अपने माइके से, तो इसलिए बैकग्राउंड से इतना साउंड आ रहा है। और ये सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम, और ये सबसे प्यारी बेटी है मेरी सिस्टर की, जो बहुत ही ज़्यादा शांत है, क्यूट सी है, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती है ये वाली। और उसके बाद हम करने लगे थे नाश्ता, और ये वाली खाला जी मेरी अम्मी से छोटी थी, और उनसे भी छोटी एक मेरी और खाला जी हैं, जो कि मैं कल ब्लॉग में डालूंगी उनकी वीडियोस, उनके यहाँ भी हम गए थे। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने वो ब्लॉग कल एडिट करूंगी, जिसमें वहाँ की क्लिप्स हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैंने वो क्लिप्स नहीं डाले हैं। और उसके बाद में हम नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए थे, और ये थी मेरी खाला जी, और हम सभी बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे थे। दूसरे रूम में हम आ गए हैं, तो ये मेरी खाला जी की बेटी बैठी हुई हैं, और ये मैं और मेरी सिस्टर, हम सभी बैठे थे यहाँ पर। और ये मेरी सिस्टर की बेटी है क्यूट सी, जो कि डांस कर रही है। बच्चे इतने क्यूट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इतनी क्यूट वाली हरकतें करते हैं ना, काफ़ी प्यारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है इन पे। और अब हम आ गए थे छत पर, और यहाँ से देखें ये भी व्यू काफ़ी अच्छा है। मौसम गर्मी थी दिन में, तो काफ़ी सारा मौसम अच्छा हो गया था इस टाइम आके, बारिश का मौसम हो रखा था, और बारिश की वीडियो मैं बनानी भूल गई, बारिश भी काफ़ी तेज़ बारिश आई थी रात में। और ये देखें हवा चल रही थी काफ़ी प्यारी सी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये हम इनकी छत पे आ गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और ये इनके जस्ट पीछे कब्रिस्तान है, और ये साइड में घर वगैरह बने हुए हैं, और जस्ट सामने इनके मस्जिद थी घर के जस्ट सामने। और यहाँ पर काफ़ी प्यारा व्यू था, घटा हो रखी थी, बारिश आने वाली हो रखी थी, मौसम इतना प्यारा हो गया था, सुहाना सा। और ये इन्होंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए थे, एलोवेरा के थे, स्नेक प्लांट्स थे, और ग्लोई की बेल थी,
काफ़ी प्यारा यहाँ का व्यू था। ये देखें जस्ट सामने ये मस्जिद है, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही शानदार यहाँ का व्यू था। और अब हम आ गए हैं ऊपर का व्यू लेने के बाद में नीचे, और ये मेरे जीजू बैठे हुए हैं और हम सब जाने के लिए रेडी बैठे हैं। हम जाने वाले हैं अपने घर, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ गया था, मेरे मामा जी मामी जी आए हुए थे घर पर और मामा जी की बेटी वगैरह सब आए हुए थे घर पे, और नाश्ता वगैरह उनका हो चुका था। उसके बाद में ये बच्चों की पार्टी, तो ये बच्चों की पार्टी चल रही थी अभी और ये मामू जी जा रहे थे। और अगर आज का छोटा सा मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में मुझे याद रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।